हाँ तो गाइस, हम आ गया कुल मिलाकर एक और नए नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में हम जानने वाले वन प्लस 9 और 9 प्रो के बारे में, जो कि काफ़ी कुछ इस फ़ोन के बारे में रूमर्स निकल के आई है, जो कि इस वीडियो में हम पूरी की पूरी कवर करने वाले हैं। वन प्लस 8 जब लॉन्च हुआ था तो वन प्लस 8 के काफ़ी ज़्यादा बुरा हाल हुआ था। वन प्लस लॉन्च ही हुआ था लेकिन कुछ दिन बाद ही वन प्लस 8T का रूमर्स और लीक सामने आने लगे। बट इसमें होता है कि हम एक स्मार्टफोन यूज सही से करते भी नहीं हैं और हमारा उसी कंपनी का नेक्स्ट स्मार्टफोन हमको देखने को अगले मंथ में मिल जाता है। तो इसे होता है कि हम काफ़ी ज़्यादा हम कन्फ्यूज आ जाते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम वन प्लस 9 और 9 प्रो के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए यार, वीडियो शुरू करते हैं। तो हेलो गाइज, मैं हूं चंदन शर्मा और आप देख रहे हैं टेक्निकल तरह। चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि हमारे द्वारा कोई भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड किए जाए नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। वन प्लस में काफ़ी ज़्यादा एक सरप्राइजिंग ये भी चीज़ निकल के आती है कि ये फ़ोन 2021 के लिए काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल होने वाला है। इसमें आपको इस रूमर से अकॉर्डिंग के सामने आपको नज़र आ जाएंगे कि इसमें आपको प्रोसेसर काफ़ी अच्छे खासे आपको देखने को मिल जाएंगे, जो कि क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 875G एक गेमिंग प्रोसेसर होने वाला है। नो डाउट एक 5G फ़ोन होने वाला है। ये पूरी कंफर्म न्यूज़ है, यहाँ से निकल के आती है। 120 हर्ट्ज़ का हाइयर रिफ्रेश रेट भी इस फ़ोन में आपको देखने को मिल जाएगा। वन प्लस के एक लीक्स और एक फ़ोटो जो सामने निकल के आती है काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजिंग है। इस इमेज को आप देखिए, इस इमेज को देखने के बाद क्या आपको नज़र आता है कि बेजल्स काफ़ी ज़्यादा इस फोन दोनों फ़ोन में काफ़ी ज़्यादा कम होने वाले हैं, ना के बराबर होने वाले हैं। अब इसमें एक येलो कलर में एक वर्ड शो करा है लेमोनेड, जो कि ये बताता है कि इसमें आपको 4 फोन आने वाले हैं वन प्लस 9 की तरफ से। लेमोनेड देव एक्स्ट्रा बहुत सारे ऐसे काफ़ी ज़्यादा ऐसा नाम है कि मैं नाम भी नहीं ले पा रहा हूँ। आप देखिए, इसमें फ़ोन में आपको होता है कि इसमें आपको वायरलेस चार्जिंग का भी इसमें आपको सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग फ़ोन होने वाला है 2021 के लिए। आप देखें कि अप्रैल के मंथ में वन प्लस के काफ़ी सारे स्मार्टफोन लॉन्च होते थे, लेकिन ये मई कि अब फरवरी मार्च तक ही ये स्मार्टफोन आपको देखने को मिल जाएगा। तो क्या आपको लगता है, ये कुछ रूमर्स थोड़े थोड़े लीक्स निकल के आए हैं जो कि मैं आपको एक्सप्लेन किया हूँ। अदरवाइज़ इससे ज़्यादा कोई लीक्स हमारे सामने नज़र आते हैं तो मैं वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचाता रहूँगा। और मेरे इंस्टाग्राम पर आप नहीं जुड़े हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं मेंशन कर दूँगा, आप वहाँ से जाकर जरूर जुड़ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि फ्रेंड्स, मेरा छोटा वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ इसे एक लाइक दे दीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं कौन है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।